अपने दिल का दर्द आज गाने के जरिए बयान कर रहे हैं सिकंदर। जैसे दिल की धड़कन मान लिया हो, उसे खुद से दूर करने पर दिल तो टूटेगा ना, और इसी टूटे दिल को थोड़ा सा हौसला देने के लिए सिकंदर एक बार फिर कुल्फी के साथ गाना गाने के लिए बैठे हैं। बोलना सीखे चिल्ला तो मिट्टी को छोड़ना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा भी अपनों दोनों को तोड़ना पड़ता है। दिल की मर्जी हो तो फिर दुनिया की मंजूरी क्या। कुल्फी भी अपने बाबा के सुर में सुर मिलाती है, मानो गाने के जरिए वो ये कहना चाहती है कि जो दिल में बसते हैं वो कभी जुदा नहीं होते। आपको बता दे कि सिकंदर ने ये गाना खास तौर से कुल्फी के लिए ही बनाया है, ताकि हॉस्टल में जब भी कुल्फी को सिकंदर की याद आए तब वो ये गाना सुन सके। इसके बाद सिकंदर को पता चलता है कि उन्हें कुल्फी को अगले 24 घंटे में हॉस्टल भेजना है, और ये खबर मिलते ही टूट जाते हैं सिकंदर। कुल्फी को भेजना होगा। अब वक्त नहीं है, हिम्मत कर निम्रत, जो करना है अभी कर। जिस बेटी की खातिर निम्रत को जमीन पर लौट कर आना पड़ा है वो कैसे चुप बैठेगी। सिकंदर तक कुल्फी की सच्चाई पहुँचाने के लिए निम्रत ने जॉनी के हाथों एक डायरी सिकंदर तक पहुंचाई है। सिकंदर जी, एक बारी खोल के देख लो, एक बारी खोल के देख लो। जहां निम्रत दुआ कर रही है कि सिकंदर वो डायरी खोल कर देख ले, वहीं लवली आकर सिकंदर से वो डायरी छीन लेती है। सिकंदर, लगता है कि जॉनी भी यही चाहता है कि आप कुल्फी को खुद से दूर ना जाने दें, आपके सामने कुल्फी की सच्चाई आ जाए, लेकिन लवली ने एक बार फिर ऐसा होने नहीं दिया। हर कोई कोशिश कर रहा है, जी जान लगा रहा है कि बस मुझे पता लग जाए किसी का। अमायरा की खातिर आपने कुल्फी को हॉस्टल भेजने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन ये फैसला आपके लिए काफी मुश्किल भरा रहा है। बाप बेटी का रिश्ता बस एक टैग देना नहीं है, बाकी लगे बाकी तो बेटी से ज्यादा मानता है, मुझे बाबा से ज्यादा प्यार है। कुल्फी और सिकंदर का रिश्ता कुछ ऐसा है कि एक दिल है तो दूसरी धड़कन। अब देखना ये है कि कब, कैसे और कहां सिकंदर को अपने और कुल्फी के रिश्ते का सच पता चलेगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।